हेलो फ्रेंड, मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल का जो 20th मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच, इसका ड्रीम 11 टीम का। सो फ्रेंड, ड्रीम 11 टीम देखने से पहले आइए दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ड्रीम 11 टीम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद टीम के प्लेइंग 11 का। तो यहाँ से बात किया जाए रिद्धिमान साहा का, तो रिद्धिमान साहा इस मैच में भी नहीं खेलने वाले हैं, सो गलती से भी अपने टीम में मत रखिएगा। यहाँ से डेविड वार्नर आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, ओपनिंग करेंगे बहुत ही अच्छे फॉर्म में, पिछला 3 मैच से लगातार बड़ी पारी खेलते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट मैच में भी इन्होंने 37 बनाया था, उससे पहले 36, उससे पहले 54, और जब भी फॉर्म में होते हैं वार्नर तो हर मैच में ही रन बनाते हैं। सो यहाँ से वार्नर को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बात करते हैं जॉनी बेस्टो का, तो पिछले 4 मैच में 2 मैच में हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जॉनी बेस्टो अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और अभी से अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज हो रहा था उसी टाइम से जॉनी बेस्टो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। सो यहाँ से जॉनी बेस्टो को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। केन विलियमसन पिछले मैच से खेल रहे हैं, उससे पहले इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन पिछले मैच में अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, मैच को जिताया भी था इन्होंने। सो यहाँ से केन विलियमसन को भी आप जरूर अपने टीम में रखिएगा। 3 नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे, बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है और 100% खेलेंगे। सो यहाँ से केन विलियमसन को रख लीजिएगा। वही बात के जब मनीष पांडे का, तो मनीष पांडे को देखिए थोड़ा बहुत इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी वजह से पिछला मैच भी नहीं खेले थे और इस मैच में भी खेलने का इनका चांस लगभग ना के बराबर है। सो मनीष पांडे को मत लीजिएगा। विराट सिंह नहीं खेलेंगे, मोहम्मद नबी भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखिए जो फॉरेन प्लेयर है वो है जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर, केन विलियमसन और राशिद खान, तो ये 4 फॉरेन प्लेयर रहने वाले हैं। तो यहाँ से मोहम्मद नबी का कोई जगह नहीं बन रहा है टीम में फिलहाल। विजय शंकर का बात किया जाए, तो विजय शंकर का परफॉर्मेंस देखिए मतलब रेगुलर उतना अच्छा रहा नहीं है, कभी अच्छा करते हैं कभी उतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं, और ये मैच देखिए चेन्नई में मैच हो रहा है और यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। सो विजय शंकर देखिए बॉलिंग में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाएंगे, और बैटिंग का भी बात किया जाए तो कभी 5 नंबर कभी 6 नंबर पर आते हैं, और आपको ही पता है कि T20 क्रिकेट में 5 नंबर 6 नंबर के बल्लेबाजों को ज्यादा गेंद खेलने के लिए नहीं मिलता है, और कभी कभार तो बैटिंग भी मिल ही नहीं पाता है। सो इसी वजह से विजय शंकर को लेकर कोई फायदा नहीं होगा। यहां से बात किया जाए अभिषेक शर्मा का, तो देखिए मैं बैटिंग का उम्मीद रख के अभिषेक शर्मा को अपनी टीम में नहीं ले रहा हूं। अभिषेक शर्मा रियली में बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है, अगर आपने पिछला मैच देखा होगा तो इन्होंने पूरा 4 ओवर बॉलिंग किया था, बहुत कम रन देकर 2 विकेट भी ले लिया था, और ये मैच तो चेन्नई में हो रहा है तो चेन्नई में बहुत ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा एक बार फिर से कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, बॉलिंग तो अच्छा करेंगे साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छा कर सकते हैं अगर बैटिंग मिला तो। सो यहाँ से अभिषेक शर्मा को अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। होल्डर फिलहाल नहीं खेलने वाले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 4 फॉरेन प्लेयर बता दिया, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान, ये 4 फॉरेन प्लेयर रहने वाले हैं हैदराबाद टीम की तरफ से। सो होल्डर को भी इस मैच में चांस नहीं मिलेगा। अब्दुल समद भी नहीं खेलेंगे, अब्दुल समद के जगह पर पिछले मैच में राशिद खान को खिलाया गया था, और केदार यादव को खिलाया गया था, और केदार यादव आपको पता ही ये बहुत अच्छे प्लेयर है, और पिछले मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, मे बी इस मैच में बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। सो अब्दुल समाद को मत लीजिएगा, नहीं खेलने वाले। राशिद खान इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई जैसे पिच पे राशिद खान कमाल का बॉलिंग कर सकते हैं, और कम से कम 2 विकेट तो आराम से लेंगे ही लेंगे, और इससे भी ज़्यादा विकेट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से राशिद खान को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। और अभी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भुवनेश्वर कुमार फिलहाल इंजर्ड चल रहे, पूरी तरह से फिट नहीं है। अगर आपने पिछला मैच भी देखा होगा तो इन्होंने सिर्फ 3 ही ओवर बॉलिंग किया था फ्रेंड, क्योंकि मैच के दौरान ही इनको मतलब इंजरी का फेस करना पड़ा था, शायद इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो इस मैच में इनका मतलब 100% कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। सो इसी वजह से फिलहाल भुवनेश्वर कुमार को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। संदीप शर्मा नहीं खेलने वाले हैं,
टी नटराजन का तो एकदम कंफर्म हो चुका है, इस पूरा ही आईपीएल में अब टी नटराजन नहीं खेलेंगे क्योंकि इनका भी पैर का ऑपरेशन होने वाला है। इनका पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से इंजर्ड मतलब ऑपरेशन होगा। सो फिलहाल टी नटराजन इस आईपीएल में नहीं खेलने वाले हैं, सो मत लीजिएगा टी नटराजन को। नदीम को इस मैच में मौका मिल सकता है सिद्धार्थ कौल के जगह पर, क्योंकि देखिए पिच को ध्यान में रखते हुए चेन्नई में मैच हो रहा है, यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो हो सकता है कि हैदराबाद की टीम एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जा सकती है, जैसे कि स्पिनर के साथ जा सकती है, जैसे कि सिद्धार्थ कौल के जगह पे सहवाज नदीम को खिला सकते हैं। वैसे भी सिद्धार्थ कौल का बॉलिंग कुछ खास रहा नहीं था पिछले मैच में, सो नदीम का इस मैच में खेलने का चांस बहुत ज़्यादा है। खलील अहमद आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। पिछले दो मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, खास करके डेथ ओवर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले हैं। सो खलील अहमद को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। मुजीब नहीं खेलेंगे, सिद्धार्थ कौल का भी खेलने का चांस बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं ऐसे दिल्ली कैपिटल टीम के प्लेइंग 11 का। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगा, सो जरूर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। अब बात कर लेते हैं यहाँ से दिल्ली कैपिटल टीम के प्लेइंग 11 का। तो यहाँ से पृथ्वी शाव का बात किया तो 100% आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे, ओपनिंग करेंगे, अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। धवन को यहाँ से 100% अपने टीम में रखिएगा, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, पिछले 4 मैच में से 3 मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं और 2 मैच में बहुत बड़ी पारी भी खेल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैच में इन्होंने 85 रन बनाया था, उसके अलावा जो 3rd मैच इन्होंने खेला था वहाँ पर भी इन्होंने 92 रनों की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी और लास्ट मैच में 45 रन की एक अच्छी पारी खेलकर आ रहे हैं। तो यहाँ से शिखर धवन को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। स्टीव स्मिथ को अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। ऋषभ पंत को जरूर अपनी टीम में रखिएगा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ पिछले 1-2 मैच से उतना कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन आपको ही पता है ऋषभ पंत कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, सो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वही बात क्या है स्टोइनिस का, तो स्टोइनिस को आप इस मैच के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। रीज़न ये है कि चेन्नई में मैच हो रहा है, यहाँ पे फास्ट बॉलर को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा पिच से हेल्प नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टोइनिस उतना कुछ खास बॉलिंग कर पाएंगे। और बैटिंग का बात क्या है तो बैटिंग थोड़ा लेट से करने के लिए आते हैं फ्रेंड, कभी 5 नंबर पर, कभी 6 नंबर पर, कभी कभार तो इनका बैटिंग भी नहीं आता है। सो अगर आप बैटिंग के लिए सिर्फ ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा फ्रेंड। यही वही बात किया जाए से एल यादव का, तो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, पिछला मैच में पूरा 4 ओवर इन्होंने बॉलिंग किया था, साथ ही साथ बैटिंग में भी अब इनको प्रमोट किया जा रहा है। पिछले मैच में ऋषभ पंत से पहले इनको उतारा गया था जहां पे इन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, नॉट आउट रहे थे, 22 रन बनाकर मैच को जिता कर गए थे। सो मे भी हो सकता है इस मैच में भी टॉप 4 में खेलने का मौका मिल जाए और साथ ही साथ पूरा 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं। सो ये प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड, अगर आप ट्राई करना चाहें तो एल यादव को ट्राई कर सकते हैं। हेटमायर को आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि इनका बैटिंग बहुत लेट से आता है, लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। रहाने नहीं खेलने वाले। और अश्विन का बात किया जाए तो अश्विन को पिछले 3 मैच से कोई विकेट ही नहीं मिला, बिल्कुल भी फॉर्म में लग नहीं रहे अश्विन। और अक्षर पटेल का वापसी हो चुका है फ्रेंड, टीम से जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। सो इस मैच में बहुत हाई चांस लग रहा है कि अश्विन के जगह पे अक्षर पटेल को खिलाया जा सकता है। और अक्षर पटेल का चेन्नई में रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है, इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुआ था तो वहाँ पर अक्षर पटेल ने चेन्नई वाले मैच में सबसे ज़्यादा विकेट भी लिया था। सो इस मैच में अश्विन के जगह पे आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही बात किया जाए क्रिस वोक्स का, तो क्रिस वोक्स फिलहाल नहीं खेलेंगे, टॉम करन भी नहीं खेलेंगे। अमित मिश्रा इस मैच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। इस पिच पे अमित मिश्रा कमाल का बॉलिंग कर सकते हैं फ्रेंड। आवेश खान को छोड़ दीजिएगा, वैसे बॉलिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन इस पिच को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता आवेश खान को लेना चाहिए। पिछला मैच भी अगर आपने देखा होगा तो आवेश खान से सिर्फ 2 ओवर ही करवाया गया था। इस मैच में स्पिनर पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है दोनों ही टीमों का, सो इसी वजह से अगर आप
आवेश को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, रबाडा को ले सकते हैं, रबाडा को इसलिए ले सकते हैं क्योंकि रबाडा डेथ ओवर में बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं, वहाँ पे विकेट भी दिलाते हैं और एक्सपीरियंस बॉलर है, सटीक यॉर्कर भी डालकर विकेट ले सकते हैं। तो यहाँ से रबाडा को जरूर अपनी टीम में रखिएगा और मेरी वाला फिलहाल नहीं खेलने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऐसे पिच रिपोर्ट की, उसके बाद देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम। तो देखिए चेन्नई में मैच होगा और लास्ट मैच जो चेन्नई में हुआ था वो हुआ था पंजाब वर्सेस मुंबई के बीच, जहाँ पे 132 रन हाईएस्ट गया था। इस पिच पे देखिए उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा फंस के आ रहा है, जिस वजह से बैट्समैन ज़्यादा मतलब रन बना नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे बैट्समैन। आपने पिछला कुछ मैचेस देखा ही होगा चेन्नई में। सो बैटिंग पिच तो नहीं कहा जा सकता, बॉलिंग पिच है। यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, आप देख सकते हैं टोटल पिछले मैच में यानी कि पंजाब वर्सेस मुंबई वाले मैच में 7 विकेट गिरा था, जहाँ पे सिर्फ 3 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और 4 विकेट स्पिनर ने लिया था। ये आंकड़ा देखकर भी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया हो कि यहाँ पे मतलब फास्ट बॉलर के मुकाबले स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो देखिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम इलेवन टीम तैयार किया हुआ है, तो आइए अब एक ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की। तो विकेट कीपर में ऐसे जॉनी बेस्टो और ऋषभ पंत को आप जरूर अपनी टीम में रख सकते हैं, और आप चाहे तो देखिए अगर ऋषभ पंत पे अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है क्योंकि पिछले दो मैच से उतना अच्छा कर नहीं पाए हैं, तो आप ऋषभ पंत को छोड़कर यहाँ से बैटिंग में आप यहाँ से स्टीव स्मिथ को भी ले सकते हैं, आपको बहुत कम क्रेडिट में मिल जाएंगे। अगर आपको ऋषभ पंत बेटर लगता है तो ऋषभ पंत को ले लीजिए, मुझे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे ऋषभ पंत ही लग रहा है। लेकिन अगर मैं दो टीम बनाऊँगा तो एक टीम में मैं ऋषभ पंत को अपनी टीम में रखूँगा और अपने दूसरे टीम में स्टीव स्मिथ को रखने वाला हूँ। सो ऐसा आप भी कर सकते हैं फ्रेंड। रिद्धिमान साहा नहीं खेलेंगे, सैम बिलिंग नहीं खेलेंगे और यहाँ से गोस्वामी भी नहीं खेलेंगे। बात करते हैं यहाँ से बैटिंग की। तो बैटिंग में देखिए हमने 3 बैट्समैन को रखा हुआ है जो 100% आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। डेविड वार्नर बहुत अच्छे फॉर्म में, लगातार हर मैच में रन बना रहे। शिखर धवन बहुत अच्छे फॉर्म में, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन है। मनीष पांडे इंजर्ड है फिलहाल। यहाँ से स्टीव स्मिथ को अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप स्टीव स्मिथ को लेते हो तो फिर यहाँ से ऋषभ पंत को आपको मिस करना पड़ेगा। ऋषभ पंत को छोड़कर यहाँ से स्टीव स्मिथ को भी ले सकते हो। वैसे स्टीव स्मिथ नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आता है और पिछला मैच में अच्छी पारी खेल कर आ रहे हैं। सो कोई बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा स्टीव स्मिथ, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो। बहुत अच्छा प्लेयर है, आपको ही पता है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और टॉप 3 में बैटिंग कर रहा है तो पूरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का। सो यहाँ से स्टीव स्मिथ को भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ से केन विलियमसन को जरूर अपनी टीम में रखेगा, ये भी 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं और एक भरोसेमंद प्लेयर है, बहुत आराम से खेलते हैं, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और अच्छा खासा स्कोर बना के जाते हैं फ्रेंड। सो यहाँ से केन विलियमसन को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। जैसन रॉय फिलहाल नहीं खेलेंगे, अजिंक्य रहाणे भी नहीं खेलेंगे। हेटमायर का बैटिंग बहुत लेट से आता है, इनको आप छोड़ सकते हैं। पृथ्वी साव को अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप 2-3 टीम बना रहे तो एक टीम में आप पृथ्वी साव को भी ट्राई कर सकते हैं। वही बात किया जाए केदार जाधव का, तो केदार जाधव का बैटिंग बहुत लेट से आएगा फ्रेंड। बैटिंग मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये कुछ बोला नहीं जा सकता है। सो इसी वजह से केदार जाधव को आप छोड़ सकते हो। ए जोशी नहीं खेलेगा। विराट सिंह का बात किया तो इनका भी मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है फ्रेंड, और देखिए खेलेंगे भी तो लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ खास प्लेयर लगते नहीं है। प्रियम गर्ग को छोड़ दीजिएगा, वी विनोद को छोड़ दीजिएगा, नहीं खेलने वाले। अब्दुल समद नहीं खेलेंगे और यहाँ से आर पटेल भी नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर में देखिए जैसन होल्डर नहीं खेलने वाले। मार्कस स्टोइनिस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि देखिए पिच स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग में तो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ बैटिंग का बात किया तो बैटिंग थोड़ा लेट से आता है, 5 नंबर या फिर 6 नंबर पे। तो बैटिंग मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि T20 क्रिकेट में 5 नंबर 6 नंबर के बल्लेबाजों को ज़्यादा गेंद खेलने के लिए मिलता नहीं है और कभी कभार तो बैटिंग भी नहीं मिलता है, तो लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहम्मद नबी नहीं खेलेंगे, क्रिस वोक्स नहीं खेलेंगे, बीजे शंकर को भी लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इनका बैटिंग भी बहुत लेट आता है और इस पिच पे बॉलिंग में ये उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पिन पिच है। अक्षर पटेल इस मैच में अगर खेलते हैं तो मे बी हम अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड, और अगर हम अपनी टीम में अक्षर पटेल को रखेंगे तो आप लोग को टेलीग्राम पर बता देंगे। सो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। बात किया जाए यहाँ से
अभिषेक शर्मा का, तो अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में, इनको आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा कर सकते हैं, और बॉलिंग पिछले मैच में अच्छा कर के आ रहे फ्रेंड। बैटिंग में तो उतना अच्छा नहीं किया लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो यहाँ से अभिषेक शर्मा को रख सकते हैं। ललित यादव को टॉप फोर में बैटिंग कराया जा रहा है फ्रेंड, अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग पूरा चार ओवर करते हैं, सो यहाँ से ललित यादव को भी जरूर अपनी टीम में रखिएगा। इस मैच में आपके लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं, सो ललित यादव को जरूर अपनी टीम में रखिए। एस मुलानी नहीं खेलने वाले। अब बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आपके लिए राशिद खान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड, इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा। यहाँ से कगिसो रबाडा को अपनी टीम में रख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। ईशान शर्मा फिलहाल इंजर्ड चल रहे हैं, एडी में इनका कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड, जिस वजह से पिछला कुछ मैचेस नहीं खेले और इस मैच में भी इनका खेलने का चांसेस लगभग ना के बराबर है, सो ईशान शर्मा को मत रखिएगा। अमित मिश्रा बहुत अच्छे फॉर्म में, पिछला मैच में 4 विकेट लेकर आ रहे हैं, सो यहाँ से अमित मिश्रा को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। तो देखिए बॉलिंग में यही 4 बॉलर के साथ जाएंगे, राशिद खान, रबाडा, अमित मिश्रा, और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, तो आर अश्विन का खेलने का चांस बहुत कम है। भुवनेश्वर कुमार भी इंजर्ड चल रहे हैं, इनका भी कंफर्म नहीं है। उमेश यादव फिलहाल नहीं खेलेंगे, संदीप शर्मा भी नहीं खेलेंगे, आवेश खान आपको खेलते हुए दिखाई दे देंगे। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप 2-3 टीम बना रहे हो तो ऐसा आप कर सकते हो कि पहले टीम में रबाडा को रख लीजिए और अपने सेकेंड टीम में आप आवेश खान को रख लीजिए रबाडा की जगह पर, सो इस तरीका से आप रोटेट भी कर सकते हो। एंड्रिक नॉर्जे का बात किया तो फिलहाल ये नहीं खेलने वाले, मुजीब भी नहीं खेलेंगे। सिद्धार्थ कॉल का बात किया तो सिद्धार्थ कॉल के जगह पे इस मैच में पिच को ध्यान में रखते हुए एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकती है हैदराबाद की टीम, तो नदीम को खिलाया जा सकता है सिद्धार्थ कॉल के जगह पे। टॉम करन नहीं खेलेंगे, जे सुचित नहीं खेलेंगे, पी दुबे नहीं खेलेंगे, बसील थम्पी नहीं खेलेंगे। खलील अहमद बहुत अच्छे फॉर्म में, आप खलील अहमद को ले सकते हैं, पिछले 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं और खास करके डेथ ओवर में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, सो यहाँ से खलील अहमद को आप ले सकते हैं। मेरीवाला नहीं खेलेंगे और यहाँ से एम सिद्धार्थ भी नहीं खेलेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कैप्टन शिखर धवन को बनाया हुआ है। रीज़न ये है कि हर मैच में ही शिखर धवन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर मैच में रन बना रहे हैं, सो इसी वजह से मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे कैप्टन के लिए शिखर धवन लगते हैं। और वाइस कैप्टन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डेविड वार्नर को बना दीजिए या फिर आप जॉनी बेस्टो को बना दीजिए। ये दोनों ही प्लेयर अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मैं तो देखिए 2 टीम बनाऊँगा, तो एक टीम में मैं वाइस कैप्टन डेविड वार्नर को रखूँगा और अपने दूसरे टीम में वाइस कैप्टन मैं जॉनी बेस्टो को रखूंगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, अगर आप 3-4 टीम बनाना चाहते हैं तो कैप्टन, वाइस कैप्टन और थोड़ा बहुत प्लेयर में भी चेंजेस करके आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला टीम तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, पहले टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन डेविड धवन और डेविड वार्नर ही रहेंगे। दूसरे टीम में मैं क्या करने वाला हूं कि धवन को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन जॉनी बेस्टो को बना दूंगा। साथ ही साथ बॉलिंग में मैं एक चेंज करूंगा, रबाडा की जगह पर आवेश खान को रख लूंगा दूसरे टीम में। तीसरे टीम में ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे कैप्टन हम यहाँ से डेविड वार्नर को बना देंगे और वाइस कैप्टन हम यहाँ से शिखर धवन को बना देंगे तीसरे टीम में, और यहाँ पे स्टीव स्मिथ के जगह पे ऋषभ पंत को ले लेंगे। सो इस तरीका से मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी फ्रेंड मतलब आप 3-4 टीम बना सकते हो। साथ ही साथ एक टीम में आप बेस्टो को भी कैप्टन बना सकते हो, एक टीम में आप स्टीव स्मिथ को भी बना सकते हो, मतलब 3-4 टीम अगर आप बना रहे हो तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो, आप कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो सकते हो। देखिए अभी जो मैंने आपको ये जो टीम दिया हुआ है फिलहाल के लिए यही मेरी फाइनल ड्रीम 11 टीम है, लेकिन बाय चांस मैच से पहले अगर मुझे लगे कि हाँ इस टीम में कुछ चेंजेस करना चाहिए तो मैं जो भी चेंजेस करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। सो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर फिर भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन होना है। सो
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी मतलब ड्रीम इलेवन खेलते हो या फिर कोई अदर फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो, तो उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कम से कम 5 लोगों के साथ एक व्यक्ति भी शेयर करेगा तो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ आप लोग जरूर शेयर कीजिए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।